हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार में, बिहार चुनाव में जिन्ना एल्बा, जी हाँ, बिहार चुनाव में अब आ गया है जिन्ना और सियासी गलियों में गूंज रहा है जिन्ना जिन्ना जिन्ना। विवाद हुआ है कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर उस्मानी पर, जो कभी जिन्ना की तस्वीर लगाने के समर्थन में जुटी भीड़ के बीच खड़े दिखाई दे रहे थे। अब बीजेपी पूछ रही है क्या कांग्रेस और उसका साथी आरजेडी जिन्ना समर्थक है। देखिए बिहार चुनाव की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जिन्ना 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 जिन्ना, बिहार के चुनाव में जिन्ना का जन्म मैदान चीर कर आ गया है। बीजेपी के नेता जिन्ना का नाम लेकर महागठबंधन और कांग्रेस को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने दरभंगा जिले की सीट से जिन्ना के कथित समर्थक को टिकट दिया है। मशकूर उस वक्त चर्चा में आए थे जब साल 2018 के मई महीने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर का विवाद उछला था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी थी, उसी जिन्ना की जिसे हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग की थी, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। तब मशकूर छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस वक्त जिन्ना को लेकर मशकूर का रुख क्या था, ये देश को देखना चाहिए। उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। क्यों नवाजा? क्योंकि उस टाइम में उन्होंने जो भी समाज के लिए और देश के लिए काम किया, उसकी वजह से नवाजा गया। तो लगी रहेगी, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्ट्री अच्छी हो या बुरी, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, उसको सहेज कर रखा जाता है ताकि आने वाले लोग ये याद करें कि हाँ भाई यही चीज भी हुई थी। अब यही बात बीजेपी के नेता चुनाव के अखाड़े में लेकर पहुंच गए हैं। मनोज तिवारी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को देश विरोधियों का साथ देने वाले बता रहे हैं। भाई ये कांग्रेस हमेशा से देश विरोधियों को ही समर्थन करती रही है। जो जिन्ना का गुणगान करेगा उनका समर्थन करेंगे, जो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद पे ले जाएगा उसका समर्थन करेंगे। तो फिर वैसे कांग्रेस का तो सारा जो काला चिट्ठा है वो जनता के सामने आ गया है और जो जो लोग उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए सब एक ही रंग के। जिन्ना विवाद को देश में उछालने वाले सतीश गौतम तो कहते हैं कि बिहार का वोटर इसका हिसाब लेगा। इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के मामले में जिसने देश के टुकड़े करे, ऐसा सपोर्ट कर पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया, माहौल खराब किया, उसको टिकट देना, इससे पार्टी की मानसिकता कांग्रेस की पता लगती है। नहीं मिलेंगे वो, सब हिंदुओं को पता है इनके साथ क्या करना है, सब हिंदुओं को पता है कि कोई हिंदू चाहता नहीं जैसे यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं मिल रहा हो, तो जिन्ना के शुभचिंतक हों उनको पता है कहाँ इनको भेजना है, ये अपने ठिकाने पर। बस बताया जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से तेजस्वी यादव भी खुश नहीं है। तेजस्वी यादव को डर है कि बीजेपी इसी बहाने मिथिला इलाके में ध्रुवीकरण की राजनीति ना शुरू कर दे। टिकट देने के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई। खुद मशकूर कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो उन्हें बदनाम करने की नियत से लगाए गए हैं। नाम वाले मामले में आप ही को क्यों लपेटा गया, आप ही का नाम क्यों उछाला गया? मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, ठीक है, तो उनके उनको लगा कि इसी को लपेटो, लेकिन वो नाकामयाब हो गए, उनको मालूम चल गया चुकी हमने खुलेआम चिट्ठी लिख दी। आप उसमें नहीं थे लेकिन उसमें क्या हम कहीं थे ही नहीं, ठीक है, वो एक फंसाया गया जी, आपको साजिशन कोई फंसाया नहीं गया, एक झूठ मूठ का विवाद खड़ा किया गया जिससे कोई लेना देना नहीं था। कि सरकार उन तमाम लोगों को टारगेट करती है जो उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मशकूर की सफाई अपनी जगह। अब सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जिन्ना विवाद में फंसे एक ऐसे नेता को टिकट दिया है जिसे बीजेपी मुद्दा बना चुकी है।